समीश पाल हत्याकांड में भाजपा नेता पर पार्टी की कार्रवाई देखी गई है। भाजपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ महानगर अध्यक्ष राहिल हसन की छुट्टी कर दी गई है। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की पूरी कमेटी को भंग कर दिया गया। उमेश पाल शूट आउट केस में परिवार का नाम सामने आया है। राहिल हसन का भाई मोहम्मद गुलाम है, नामजद आरोपी है। शूट आउट केस में गुलाम को शूटर बताया जा रहा है। वारदात के बाद से लगातार फरार चल रहा है गुलाम। एसटीएफ ने राहिल हसन को हिरासत में ले रखा है, पूछताछ जारी है। राहिल हसन पिछले कई दिनों से जांच एजेंसियों की कस्टडी में है और उससे भी अब पूछताछ की जा रही है। ये बड़ा अपडेट सामने आया है। उमेश पाल शूट आउट में लगातार एक ही बात एक खुलासे सामने आ रहे हैं। इस बीच भाजपा नेता पर पार्टी की कार्रवाई यहां देखी गई है। भाजपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ महानगर अध्यक्ष राहिल हसन की छुट्टी कर दी गई है और साथ ही पूरी कमेटी को भंग कर दिया गया है। मोइन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोइन, उमेश पाल हत्याकांड में एक के बाद एक नए खुलासे और एक और बड़ी कार्रवाई भाजपा नेता की पार्टी पर, यहाँ बड़ी कार्रवाई की गई है। देखिए, उमेश पाल का जो चर्चित शूट आउट केस हुआ था उसमें सरकारी अमला तो कार्रवाई कर ही रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने एक पदाधिकारी को पद से हटा दिया है। दरअसल राहिल हसन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का महानगर अध्यक्ष था और उसका उसके सगे भाई गुलाम हसन का नाम जो है इस शूट आउट केस में आया था। जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसमें जो है एक शूटर के तौर पर गुलाम हसन की पहचान हुई है। इसके साथ साथ उमेश पाल के परिवार वालों ने जो FIR दर्ज कराई है उसमें भी गुलाम हसन का नाम है और इसी आधार पर जो है जो जांच एजेंसियां हैं उन्होंने राहिल हसन को पिछले कई दिनों से कस्टडी में ले रखा है और इसी आधार पर भारतीय जनता ने पार्टी ने फिलहाल जो है राहिल हसन को पद से हटा दिया है। वो लेकिन वो जांच पूरी होने तक पार्टी में बना रहेगा राहिल हसन। और पार्टी का इस बारे में साफ तौर पर कहना है कि हमने पूरी जो महानगर कमेटी थी उस कमेटी को ही भंग कर दिया है। जो पार्टी के महानगर अध्यक्ष गणेश केसरवानी है उन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोइन तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। और अब खबर है औरैया से। गांव के दबंग ने मां बेटी की बेरी में से पिटाई की है। मामूली बात पर मां बेटी को जमकर पीटा गया है, सड़कों पर घसीटा गया है। साहियल थाना क्षेत्र के भबोग गांव का ये पूरा मामला, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रखा है। गांव के दबंग ने मां बेटी को जमकर पीटा है, तस्वीर आपके सामने। ये वीडियो वहां पर मौजूद कुछ युवकों ने, कुछ शख्स ने रिकॉर्ड कर लिया। ये वीडियो जमकर वायरल है। आप देखिए किस तरीके से मां बेटी की सड़क पर घसीट कर यहाँ पिटाई की जा रही है। दबंगों की तरफ से लात घूंसे तक चलाई गई है। दबंगों के हाथों में लाठियां भी है, उनसे भी पिटाई की जा रही है। बेहद ही शर्मसार तस्वीर सामने आई है। मामूली बात पर दबंगों की तरफ से मां बेटी को सड़क पर पीटा गया है। आसपास काफी लोग भी वहां पर मौजूद है लेकिन सभी वहां पर मूक दर्शक बने हुए हैं, तमाशाबीन बने हुए हैं। दबंगों की तरफ से मारपीट की जा रही है माँ और बेटी के साथ। सड़कों पर घसीट कर पीटा गया है, हाथों में देखिए डंडा। हालांकि जब माँ को पीटा जा रहा है तो बेटी बचाव करने आती है, तो बेटी को भी दबंगों की तरफ से यहाँ पर पीटा गया है। आसपास के लोग वहां पर खड़े हैं लेकिन किसी की तरफ से बचाव करने की कोशिश नहीं की जा रही है। तस्वीरों में साफ तौर पर दिख रहा है। हालांकि सबके बीच एक महिला दिख रही है जो कि बचाव करने की कोशिश कर रही है लेकिन यहां पर दबंगों की तरफ से जमकर के पिटाई की जा रही है। बेखौफ होकर के, कोई डर नहीं, प्रशासन का डर नहीं, खुलेआम इस तरीके से मारती। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।